हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा कैसे बनी, कब बनी, 1946 में बनी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, प्रेसिडेंट कौन था। सो छोटी मोटी चीज़ें आज के वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कुछ टफ चीज़ नहीं आने वाली है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आने वाली हैं। तो देखिए, फर्स्ट मीटिंग हुई थी December 9, 1946 में, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। मुस्लिम लीग वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे अटेंड नहीं की मीटिंग। अब देखिए, अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन लिया था, वहाँ पे मारताड़ हुई थी, एक लोगों का झुंड आप कह सकते हैं वायलेंट हो गया था, जिसकी वजह से बाद में फिर ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने भी एक मीटिंग मंगवाई थी, मतलब बुलाई थी कांग्रेस की, मुस्लिम लीग एंड एक सिख, इन तीन लोगों को बुलाया था, बट उसका भी कोई एक तरह से आप कह सकते हैं रिजल्ट नहीं निकला। तो उस टाइम से, अब इस टाइम से जो मुस्लिम लीग थी, या आप कह लीजिए जिन्ना थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना बंद कर दिया था। तो वो है ये कंसेप्ट कि मुस्लिम लीग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। टोटल 296 सीटें थी, उसमें सिर्फ 207 लोग जो हैं वो प्रेजेंट थे। नाउ मुस्लिम्स बिलोंगिंग टू INC अटेंडेड द मीटिंग। जो INC में मुस्लिम थे वो तो आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम नहीं आए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के एक बहुत ही फेमस लीडर थे, उन्हें इन्होंने अंतरिम आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं वो बनाया था, ताकि जब तक कि परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं सिलेक्ट किए जाते हैं तब तक की सारी मीटिंग्स इनके अंडर ही होनी थी। फिर क्या होता है, परमानेंट प्रेसिडेंट भी जो है अपॉइंट कर लिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, 11 दिसंबर को इन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे हम आज के डेट में प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना। नाउ मुस्लिम लीग मेट एट कराची ऑन January 31, 1947 एंड रिजॉल्व नॉट टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मुस्लिम लीग का अपना ही काम चल रहा था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, कराची सेशन किया, उसमें सारे मुस्लिम्स आए, वहाँ पे डिसाइड किया कि हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई भी मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई, डेलिकेट हो गई। प्लस अब हो क्या रहा था, एक साइड पे इंडियन मासेस इंडिपेंडेंस चाहते थे, मतलब इंडिया की आम जनता जो है वो स्वतंत्रता चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। दूसरी साइड कॉम्युनल टेंगल ही नहीं ख़त्म हो रहा था, मतलब जो धर्म के आधार पे आप धार्मिक विवाद कह सकते हैं वो ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो अगर हम इंडिया में खुद ही लड़ते रहेंगे तो बाहर के लोग हमें इंडिपेंडेंस क्यों देंगे, हमें खुद में एकता दिखानी थी, यूनिटी दिखानी थी, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिलती। तो खैर, जो भी था ये हमने पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन। आई नो इसमें काफ़ी द पॉइंट्स मिसिंग हैं, बट जो बुक में था मैंने एज इट इज़ पढ़ाया है। इससे पहले मैंने पॉलिटी का भी एक लेक्चर अपलोड किया है, हैंड रिटन नोट्स का ही है, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया है। मतलब अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि कुछ छूट जाएगा आपका। तो आप मेरे चैनल पे, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स, अभी मैंने थोड़ी वीडियो 8-10 वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं उसमें, तो आप शुरू में देख सकते हैं। उसमें कुछ इस तरह से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।